बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास उम्मीद है बच्चों आप लोग खैरियत से होंगे। अपनी नोटबुक ओपन करें बच्चों। हम लोग उर्दू ए का सबक नंबर 5 कर रहे थे। उसकी हमारी एक्सरसाइज तकरीबन स्टार्ट हो चुकी थी। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे थे, दिए गए अल्फाज की जमा मायने से, नहीं सॉरी, हम सवाल नंबर 2 पे थे। इन अल्फाज में से किसी थे को इस्तेमाल करते हुए एक मुख्तसर और मरबूत इबारत तहरीर कीजिए। ये लफ्ज दिए गए थे, इनको मतलब इबारत बनानी थी जिनमें ये लफ्ज इस्तेमाल हो, ठीक है? तो वो आप लिखें, इबारत लिखें, दूध और शहद का मशरूब पीने से दिल को ताकत और सुकून मिलता है। दूध एक अजीम नेमत है। दूध से बनी हुई तमाम अशियां बहुत मुफीद हैं। दूध के इस्तेमाल से बंदा ताकतवर हो जाता है। दही के इस्तेमाल से पुरसकून नींद हासिल होती है। शहद मोटापे को कम करने के लिए इसका बेहतरीन इलाज है। तो उसके बाद आगे है, ये खाली जगह पूर्ण करनी है। सवाल नंबर 3 में बुक एक्सरसाइज आपने खुद करनी है, ठीक है? और उसके आगे देखिए, सवाल नंबर 4 में है, दिए गए अल्फाज को जमा मौमे से तलाश कीजिए और हर लफ्ज के सामने लिखिए। ये भी आपने खुद करना है। सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 आपने खुद करना है, ठीक है? कॉपीज में अगले पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 30 है। अगला हमारा नजम है हमारी, इलाज बिलगदा। इसकी हम रीडिंग करते हैं पहले। जहां तक काम चलता हो फजा से, वहां तक चाहिए बचना दवा से। अगर तुझको लगे जाड़े में सर्दी, तो इस्तेमाल कर अंडे की जर्दी। जो हो महसूस मैदे में गिरानी, तो पी ले सौंफ या अदरक का पानी। बने अगर खून कम बगलम ज्यादा, तो खा गाजर चने शलगम ज्यादा। जिगर के बल पे है इंसान जीता, अगर जोफे जिगर है खा पपीता। जिगर में हो अगर गर्मी दही खा, अगर आंतों में खुश्की हो तो घी खा। अगले पेज पे देखिए, थकन से हो अगर उजलात ढीले, तो फौरन गर्मा गर्म दूध पी ले। जो ताकत में कमी होती हो महसूस, तो मिस्री की डली मुल्तान की चूस। ज्यादा अगर दमागी है तेरा काम, तो खा ले शहद की हमरा बादाम। अगर वो कलब पर गर्मी का एहसास, मुरब्बा आमला खा और अनानास। जो दुखता हो गला नज़ले के मारे, तो कर नमकीन पानी के गरारे। अगर है दर्द से दांतों के बेकल, तो उंगली से मसूड़ों पे नमक मल। जो बदहजमी में चाहे तू अफाका, तो दवा एक वक्त का, तो दो एक वक्त का कर ले अफाका। जी नोटबुक निकालें, अब हम इसके अल्फाज मानी करेंगे। सबसे पहले हेडिंग दें, इलाज बिलगदा। पहला अल्फाज है हमारे पास, जोफे जिगर, जिगर की गर्मी, कलब, दिल, फाका, भूखा रहना, गरानी, बदहजमी, बल, ताकत या जोर। इलाज बिलगदा, गजा के जरिए इलाज करना। उजलात, पट्टे, अफाका, बीमारी की शिद्दत का कम हो जाना। जाड़े, सर्दी का मौसम। बलगम, कफ या खंगार। दुखना, तकलीफ होना। बेकल, बेचैन या बेआराम। आगे हमारे पास सवाल है,
गजा के जरिए इलाज के कोई दो फवायद लिखिए। गजा के जरिए इलाज के कोई दो फवायद लिखिए। नंबर एक है खून की कमी, गाजर और शलजम खाने से पूरी हो जाती है। खून की कमी गाजर और शलजम खाने से पूरी हो जाती है। नंबर दो है जिगर की कमजोरी, जिगर की कमजोरी पपीता खाने से दूर हो जाती है। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर चार देखें। सवाल नंबर तीन को आपने खुद देखना है कि ये इन मौकों पे हमें क्या करना चाहिए। नजर को एक बार गौर से पढ़िए और लिखिए कि इन मौकों पर आपको क्या करना चाहिए। आपने खुद अपनी बुक में करना है, ठीक है। आप पर थकनकारी हो तो क्या करें, इम्तिहान के दिनों में ज्यादा पढ़ना है तो क्या करें, अगर दांतों में दर्द है उस सूरत में क्या करना चाहिए, अगर सर्दी ज्यादा लग रही है या अगर गला खराब है या अगर बदहजमी हो गई है तो सूरत में क्या करना होगा, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर चार भी देखिए, नज़म का मरकजी ख्याल तीन या चार सतूर में तहरीर कीजिए। मरकजी ख्याल लिखिए इसका। नज़म इलाज बिलगदा में शायर दवाओं से बचने की तलकीन करता है और गजा से इलाज के बारे में बताता है कि अल्लाह ताला की नेमतों में हर बीमारी का इलाज मौजूद है, इसलिए इंसान को दवा से ज्यादा गजा पर भरोसा करना चाहिए। इसलिए इंसान को दवा से ज्यादा गजा पर भरोसा करना चाहिए। उसके बाद आप सवाल नंबर सात को देखें, खाली जगह मुनासिब अल्फाज लगाकर आपने पुर करनी है। ये आपने खुद करना है काम अपनी बुक के ऊपर, ठीक है। ये लफ्ज नीचे दी हुई है, इनसे ही आपने ये खाली जगह पुर करनी है। और बाकी जितना काम किया है उसको अच्छे तरीके से आपने अल्फाज मानी को और जो दो क्वेश्चन किए हैं उनको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।